हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो अगर आपका ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा है, आपके ब्लूटूथ मतलब आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है, या तो आपका ब्लूटूथ स्पीकर वाला ब्लूटूथ हो, या आप ब्लूटूथ से अपने मोबाइल में अपने डिवाइसेस में कुछ शेयर कर रहे हैं, अपने स्मार्ट वॉच में कनेक्ट कर रहे हैं, अपने ब्लूटूथ जो हेडफोन लगते हैं उसमें कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या होती है और उसको सॉल्व आप कैसे कर सकते हैं। तो आप वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ पर ये सब इतने सारे ब्लूटूथ्स हैं, मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ तो ये समझ लीजिए कनेक्ट नहीं होता है। तो मुझे इसके लिए सबसे पहले ध्यान क्या देना है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ से बैक आ जाना है। सबसे पहला मेथड है, आपको यहाँ पर पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। सॉरी, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को यहाँ पर ये पावर बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से रीस्टार्ट कर लेना है फ़ोन को। जब फ़ोन ऑन होगा तो आपको एक बार वापस से कनेक्ट करके चेक कर लेना है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। देखिए, इसमें बहुत से लोगों की प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम ऐसे नहीं सॉल्व हो रही है, तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। लाइक हम चले जाते हैं सेटिंग्स में। यहाँ पर देखिए, एक बार आप देख लीजिए, जनरल मैनेजमेंट में चले जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर पे क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको रीसेट पे क्लिक करना है। रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए, दिस विल रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग्स इंक्लूडिंग दोज फॉर वाईफाई, मोबाइल डेटा एंड देखिए आपका ब्लूटूथ। तो अगर आप ये रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपका जो लॉक स्क्रीन है उसका पासवर्ड पूछेगा, तो आपको आपके लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डालना है और आपका फ़ोन की जो नेटवर्क सेटिंग्स है ओनली वो ही रीसेट होंगी। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होने वाला है, तो बेफिक्र होकर यहाँ से रीसेट सेटिंग्स पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देखिए, अगर उससे भी नहीं होता है तो आप एक बार सिर्फ मेक श्योर कर लीजिए अपने सॉफ्टवेयर अपडेट्स में आके कि आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर अप टू डेट है या फिर नहीं। देखिए, यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट्स ऐसा लिखकर आएगा, आपको सिर्फ एक बार देख लेना है आपका जो भी सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट वर्जन में है, अपडेट है या फिर नहीं। देखिए, यहाँ पर अपडेट आया हुआ है, तो इसे डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लेना होगा आपको, अगर आप में भी आया है तो इसके बाद आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। तो अब मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ, अगर आपके फ़ोन में कुछ हार्डवेयर प्रॉब्लम है, आपका ब्लूटूथ डैमेज है, वायर हिल गया है, कुछ प्रॉब्लम है आपके ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी में, तो हो सकता है आपको इसको सर्विस सेंटर ले जाना पड़े। अगर आपका फ़ोन वारंटी में होगा तो ये फ्री में रिपेयर कर देंगे, वारंटी में नहीं है तो आप कोई मोबाइल की शॉप में लेके जाइए, वो थोड़ा थोड़ा 200-300-400 खर्चा आएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट में बताइए, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।